हेलो दोस्तों, 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसके लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 घोषित कर दी गई है। चलिए जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये मुकाबला 19 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराकर यहाँ पहुँची है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका को हराकर यहाँ पहुँची है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के शुरुआत में कुछ खास कर सकी थी, मगर फिर उन्होंने वापसी की और सेमीफाइनल में दोनों मुकाबले इतने टाइट हुए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची तो सही, मगर दोनों के मुकाबले इतने खतरनाक रोमांचक थे कि मजा आ गया। ऐसे मुकाबले की उम्मीद फाइनल में की जा रही है। टीम इंडिया का ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बार की वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन है। मोहम्मद शमी को एक बार फिर से जैसा प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर किया था, वैसा ही प्रदर्शन करना होगा ताकि भारत फाइनल जीत सके। दोस्तों, ये मुकाबला जीतने के लिए दोनों टीमें जीत जान लगा देंगी, क्योंकि वह वर्ल्ड कप की चैंपियन हो जाएगी। भारत अपना आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना आखिरी वनडे वर्ल्ड कप 2015 में जीती थी। भारतीय टीम के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि श्रेयस अय्यर अब शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं और शानदार शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए वे इन्हें यादगार बनाना चाहते हैं। साथ ही तीनों शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, और साथ ही जानेंगे कि इस बार टीम इंडिया की क्या रणनीति रहने वाली है। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और सुमन गिल। जहां रोहित शर्मा आते ही बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, वही सुमन गिल शुरुआत में कुछ बोले लेते हैं सेट होने के लिए। इस बार दोनों ने वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और इस मैच में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अगर दोनों कम से कम 15-20 ओवर टिक कर खेल गए तो टीम इंडिया की जीत पक्की। सुमन गिल तो नेट्स में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे जसप्रीत बुमराह के खिलाफ लगातार छक्के लगा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे नंबर 1 बॉलर के सामने छक्के लगाना उनके आत्मविश्वास और उनकी फॉर्म को दर्शाता है। वही रोहित शर्मा तो नए कैप्टन कूल बनना चाहते हैं, इन्होंने कप्तानी भी बहुत शानदार की है इस बार। वहीं अगर इन दोनों में से किसी एक का विकेट गिर जाता है तो बैटिंग करने आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली इस बार बहुत शानदार फॉर्म में है, और उन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक भी लगाया था। विराट कोहली की जिम्मेदारी होगी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करने की। वह शुरुआती कुछ बॉले ले सकते हैं, सेट होने के बाद खतरनाक साबित हो सकते हैं। विराट और रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, दोनों इसमें जीत जान लगा देंगे। बाकी दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो वहाँ साथ देंगे विराट कोहली का श्रेयस। सही है दोस्तों, इस बंदे की भी कहानी कुछ अजब ही रही है इस वर्ल्ड कप में। शुरुआती वर्ल्ड कप मुकाबलों में शॉर्ट बॉल का शिकार हो रहे थे, मगर इन्होंने हार नहीं मानी। बढ़िया शुरुआत करने के बाद आउट हो रहे थे, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था, मगर सिलेक्टर्स के फैसले को बिल्कुल भी नाराज होने नहीं दिया श्रेयस अय्यर ने। अब ये लगातार शतक लगा रहे हैं और वो भी बहुत तेज, ये टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। श्रेयस अय्यर को भी शुरुआत बढ़िया कर, विराट कोहली का साथ देना होगा और अपनी मौजूदा फॉर्म का पूरा फायदा उठाते हुए टीम इंडिया को मैच में जीत दिलवानी होगी। वहीं अगर अब नंबर 5 की बात करें तो वहां होंगे केएल राहुल। केएल राहुल ने इस बार बहुत शानदार बैटिंग और कीपिंग की है, मगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में केएल राहुल से कीपिंग में थोड़ी निराशा मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा चौके निकलवाए, उनकी फील्डिंग में थोड़ा सुधार करना होगा। मगर रोहित शर्मा से बातचीत करने के बाद उन्होंने आखिरी में कीपिंग में सुधार किया और शानदार कैचेस लिए। केएल राहुल को एक बार फिर से मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के पास है नहीं, और सूर्य कुमार यादव ने अब तक इस वर्ल्ड कप में कुछ खास किया नहीं, इसलिए केएल राहुल पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इनका साथ देंगे नंबर 6 पर होंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को मिस्टर 360 वाली पारियों के लिए जाना जाता है, मगर अब तक वे ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसी कि उनकी काबिलियत है। अब फाइनल में तो सूर्य कुमार को फॉर्म में आना ही होगा, यह आखिरी मुकाबला होने वाला है। अगर इसमें टीम इंडिया हार गई तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो दोस्त, हम सभी जानते हैं एक बार सूर्य का बल्ला दहाड़ मारता है तो फिर किसी से नहीं रुकते, विपक्षी बॉलर भी घबरा जाते हैं, क्योंकि सूर्य मैदान के चारों ओर शॉट लगा सकते हैं। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर नंबर 7 की बात करें तो वहां होंगे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इस बार 3D प्लेयर बनकर उभरे हैं, चाहे फिर बैटिंग हो या कंजूस भरी बॉलिंग के साथ विकेट चटकाने की बात हो या फील्डिंग हो, सभी में शानदार प्रदर्शन किया है। जब 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए थे, तब ये बंदा आखिरी तक लड़ा था। रविंद्र जडेजा मैदान
में अपना 100% देते हैं, वे कोई भी खसर नहीं रहने देते। अब अगर बॉलरों की बात करें तो टीम इंडिया 4 बॉलरों के साथ उतरने वाली है। अगर पहले बॉलर की बात करें तो वो है मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा है वो है मोहम्मद शमी। इन्होंने शुरुआत में 3-4 मैचेस भी निकले मगर फिर भी विकेट टेपर में टॉप पर चल रहे हैं। इस बार सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी गेंदबाजों ने हथियार डाल दिए थे तब आए मोहम्मद शमी और ऐसा प्रदर्शन किया, 7 विकेट झटके कि न्यूजीलैंड की टीम फिर संभल नहीं पाई। एक बार ऐसा समय था जब टीम इंडिया की हार निश्चित नजर आ रही थी मगर इंडिया के हार के बीच में खड़े थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी से एक बार फिर से फाइनल में ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं अगर दूसरे बॉलर की बात करें तो वो है कुलदीप यादव, जिन्होंने इस बार बहुत ही शानदार स्पिन बॉलिंग की है। टीम इंडिया के लिए स्पिन का जिम्मा कुलदीप यादव संभालेंगे। कुलदीप यादव की जिम्मेदारी होगी बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी के साथ विकेट चटकाने की। वहीं इनका साथ देंगे रविंद्र जडेजा। वहीं अगर अब तीसरे बॉलर की बात करें तो वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने इस बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, वे लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत ही शानदार हुई है। वहीं इनका साथ देंगे नंबर 4 के बॉलर मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, एक बार फिर से वही सिचुएशन है। सिराज में बहुत ज्यादा काबिलियत है और वे लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के सामने कोई भी विपक्षी टीम के बल्लेबाज टिक नहीं पाते हैं क्योंकि इन तीनों की तिगड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म कर रही है और टीम इंडिया लगभग मैच इंडिया की बॉलिंग से ही जीत रही है। चलिए ये तो होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करेंगे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो वहाँ होंगे स्टीव स्मिथ और नंबर 4 पर होंगे मार्कस लेबुशेन। वहीं नंबर 5 पर होंगे ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 6 पर होंगे विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत लंबी है, इन बैट्समैनों को जल्दी आउट करना होगा वरना टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 7 की बात करें तो वहाँ होंगे मार्कस स्टोइनिस। नंबर 8 पर होंगे पैट कमिंस। वहीं नंबर 9 मैथ्यू शॉर्ट और नंबर 10 पर होंगे मिचेल स्टार्क। वहीं नंबर 11 पर होंगे एडम जंपा। दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जंपा बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम इंडिया के बैट्समैनों को उनसे बचकर रहना होगा। दोस्तों अगर वर्ल्ड कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतर नजर आ रहा है मगर अब की बार लीग मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया भले ही शुरुआत में कुछ खास नहीं कर सकी हो मगर उसके अब सभी प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं। टीम इंडिया के बॉलरों को उन बैट्समैनों को जल्दी आउट करना होगा। और दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है ये मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम जीतने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही आप अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।